तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो चैप्टर है उसमें हमें इंट्रोडक्शन देखना है, और इंट्रोडक्शन के बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज है इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आज हम ये दो ही चीज़ देखेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की, कैसे सॉल्व करते हैं उसको, और कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स है और फिर कुछ स्पेशल केसेस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंपल है जी। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है लॉजिस्टिक्स, जो हमारे लिए एक सब्जेक्ट भी रहा है और है। ठीक है, तो जब हम लॉजिस्टिक करते हैं तो वहाँ पे कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है, अगर आप बाय रोड लॉजिस्टिकल थिंग को हैंडल करते हो तो आपके लिए बस है, ट्रक्स है, ऑटोज है, कार्स है, वो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है। अगर एक बस को आपको बिजी करना है दो जगह में तो आप कितने बार कर सकते हो, दिन में, हफ्ते में, महीने में? ठीक है, इट डिपेंड्स। आपके पास एक व्हीकल है तो उसे कितने टाइम आप बिजी कर सकते हो, इन जनरल इस तरीके से हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देख सकते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन अ सेट ऑफ सोर्सेज टू अ सेट ऑफ डेस्टिनेशन सब्जेक्ट टू बी सप्लाई एंड डिमांड of the source and destination respectively, such that the total cost of transportation is minimized. So हमें ये जो transportation के problem जो है ये special kind of linear programming problems है। ठीक है, जब अगर आपको MCQs आएंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन से linear programming problem है, तो हमारे लिए formulation is also an LPP, that is linear programming, then graphical method is also a linear programming, and नेक्स्ट वन इज हमारे लिए जो सिंप्लेक्स है वो भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ सोर्सेज टू अ सेट ऑफ डेस्टिनेशन। एक सेट ऑफ सोर्स होगा और दूसरा डेस्टिनेशन होगा। अगर मुझे मेरे घर से निकलना है तो दैट इज सेट ऑफ सोर्स, और कहीं और जाना है, फॉर एग्जाम्पल अंधेरी पहुंचना है। ठीक है, तो अंधेरी विल बी माई डेस्टिनेशन। ठीक है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू सप्लाई एंड डिमांड। सो इट डिपेंड्स कि जो सप्लाई है वो कैसे है। अगर हम इन जनरल कोई गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें डिमांड एंड सप्लाई देखना है। अगर आप लॉजिस्टिकल सर्विसेज में है, या फिर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर आप ही का ही कुछ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है और उस हिसाब से आप अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है सॉल्व करोगे। अब रेलवेज की जब हम बात करेंगे तो पीक आवर्स में हमारे लिए फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स है, हर दो मिनट में ट्रेन्स है। लेकिन अगर आप आफ्टरनून टाइम में देखोगे, जहाँ पे रश नहीं होता और लोग बहुत कम रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, तभी ट्रेन्स का जो सर्कुलेशन है या फिर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 5-10 मिनट में 7 मिनट में एक बार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है कि सुबह बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं एक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उस हिसाब से हमें ट्रेन्स को एलोकेट करना है। ठीक है, तो एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, एंड जो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो मिनिमाइज होना चाहिए, उस हिसाब से हमें ध्यान देना है। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर हम अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, या फिर कोई भी ई पोर्टल से या फिर ई कॉमर्स से हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो हमारे लिए मेन चीज़ क्या है, एक अगर हम प्राइम मेंबर है तो डिलीवरी फ्री होगी, लेकिन प्राइम मेंबर नहीं है अमेजोन में तो डिलीवरी जो है वो कॉस्ट होगा 50 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन या पर ऑर्डर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देते हैं ताकि हमारा जो डिलीवरी चार्जेस है वो कम हो। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ टोटल अमाउंट पे भी वो डिपेंड करता है। एंड दस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील विद स्पेशल क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसपोर्ट सिंगल कमोडिटी फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन और सप्लाई और कैपेसिटी सेंटर, टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, ऑल्सो नोन एज डिमांड और रिक्वायरमेंट सेंटर एट मिनिमम टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डील करना है, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि एक सिंगल कमोडिटी है जो सेवरल सोर्सेज से निकलेंगी, ठीक है, जहाँ पे ओरिजिन और सप्लाई है, और वो डिफरेंट डेस्टिनेशन में पहुँचेगा।
बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, उनके पास एक प्रोडक्ट है, वो सबको पहुंचाना है, ठीक है, हर एक रिटेल स्टोर में पहुंचना है। मैगी प्रोडक्ट है, नेस्ले मैगी प्रोडक्ट है, तो वो हर जगह में अवेलेबल होना चाहिए। तो उनके लिए कितने ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रॉब्लम्स है वो हमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो हमें ये देखना है, जो कमोडिटी है, कमोडिटी फ्रॉम ओरिजिन और सप्लाई कैपेसिटी सेंटर से निकल रहा है और वो उनके रिक्वायरमेंट सेंटर या डिमांड जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन उसका जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो बरकरार रखना है। देन द गिवन इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम इज द टोटल सप्लाई एट द ओरिजिन, द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय द डेस्टिनेशन एंड द कॉस्ट ऑफ शिपिंग अ यूनिट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ नोन ओरिजिन टू अ डेस्टिनेशन। तो हमें जब ये तीन इंफॉर्मेशन मिलती है तभी जाके हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो टोटल सप्लाई ओरिजिन में कितना है, डिमांड कितना है डेस्टिनेशन में, एंड कॉस्ट ऑफ शिपिंग एक यूनिट के लिए कितना है या फिर एक सेट ऑफ यूनिट्स के लिए कितना है, इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इनके इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे। देन हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मिनिमाइजेशन है, मैक्सिमाइजेशन है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड एंड डमी है, एंड देन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, डीजेनरेट सॉल्यूशन है, एंड प्रोहिबिटेड रूट्स है, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और अगले लेक्चर में हम इन टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे और इनका जो प्रोसीजर है कंसिस्ट ऑफ टू फेज, वो दोनों फेज का हम सॉल्यूशन देखेंगे। दो फेज क्या है मैं जस्ट सिंपल बता देता हूँ आपको। एक है फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन द फर्स्ट फेज, एंड सेकेंड में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज द सेकेंड फेज। दो फेज हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं और उनके मेथडोलॉजीज क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज आपके लिए इतना ही ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर किसी को अभी भी इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क, और एल्स विल वाइंड अप द लेक्चर।